हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सभी मेजोरिटी स्टूडेंट का अभी भी एक सवाल आ रहा है, सर बता दीजिए प्लीज 100% कंफर्मेशन दे दीजिए कि एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आपने मेरा एक पहले का वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने थंबनेल में ही रखा हुआ था कि 90% एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। तो दोस्तों इस बार का जो आपने थंबनेल देखा है 100% मैंने कहा है एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। तो दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो में तो बताने ही वाला हूं, बताते बताते ये भी बता दूं कि मैं प्रूफ भी आप लोगों को देने वाला हूं कि ये रियल है कि फेक है। तो दोस्तों आज का वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए व्यूअर हैं प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरीके से एजुकेशन रिलेटेड अपडेट आपके मोबाइल तक आते रहेंगे। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, तो 100% सॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम की ही तैयारी करनी है, अब आप लोग ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम भी इसके लिए इस बार कंडक्ट करवाया जा रहा है, नहीं तो ये ऑफलाइन होता था। रीजन ये है कि COVID-19 का केस अब फिर से इंक्रीज होते जा रहा है, डे बाय इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी का ये कहना है या हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन हायर मिनिस्टर है उदय सावंत सर, उनका कहना है कि इस बार का भी एग्जाम ऑनलाइन मोड ही होना चाहिए, ऑफलाइन मोड नहीं होना चाहिए। जैसे कि काफी स्टूडेंट पूछ रहे सर हम तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन वाला एमसीक्यूज करें कि जो प्रैक्टिकल हम सम सॉल्व करते थे वो करें। तो आप सभी लोगों को कंफर्मेशन दे दूं कि आप लोगों को अभी से जो तैयारी करना है वो एमसीक्यूज करना है, ऑनलाइन तरीके से जो एग्जाम हो रहा था उसे ही फॉलो करना है, ऑफलाइन पे नहीं जाना है। ये 100% सॉरिटी के साथ बोल रहा हूं। आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये सॉरिटी 100% हो भी जाएगा, वो भी उदय सावंत सर का है, आप थोड़ा टाइम के लिए वेट कर लीजिए। देन बात काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम दोस्तों अप्रैल मई के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर COVID-19 का केस इंक्रीज हो रहा है जिस तरीके से अभी, अगर ये इसी तरीके से नॉर्मल सिचुएशन रहा तो भाई अप्रैल मई में होना चालू हो जाएगा, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम रहा तो ये पोस्टपोन होकर जून जुलाई के बीच में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट 100% करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अभी आपको सॉरिटी के लिए कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड है कि ऑफलाइन मोड है, मैंने आपको जैसा बोला था कि मैं सॉरिटी दूंगा आपको एक प्रूफ देने वाला हूं। तो दोस्तों एक क्लिप है, ये TV9 मराठी के तरफ से एक क्लिप है जिसमें उदय सावंत सर ने अपना न्यूज दिया हुआ, अपना बात रखा हुआ है, उन्होंने कुलगुरुओं से बात करते हुए ये एक न्यूज अनाउंस किया हुआ है, तो आप एक क्लिप देख लीजिए, मैं मिलता हूँ क्लिप के बाद, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रत्येक विद्यापीठाने घेतलेला आहे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन पद्धतीने परीक्षा होत आहेत, पण ह्या परीक्षा करत असताना आपण ह्या ऐच्छिक ठेवलेल्या आहेत। विद्यार्थ्यांना जी कुठची परीक्षा द्यायला शक्य होईल, ऑफलाईन त्यांना द्यायची असेल, ऑनलाईन द्यायची असेल, तर त्यांच्या मर्जीवर आम्ही सोडलेलं आहे आणि तशाच पद्धतीनं सगळ्या कुलगुरूंनी निर्णय घेतलेला आहे। दुसरा विषय राहतो इंजिनिअरिंगचा आणि पॉलिटेक्निकचा, तर त्या सेमिस्टरची एग्जाम 100% ऑनलाइन घ्यायचं। आई होप की आपने एक क्लिप देख लिया होगा। दोस्तों इस क्लिप का पूरा क्रेडिट TV9 को जाता है। दोस्तों इस क्लिप में उदय सावंत सर ने एकदम साफ साफ कहा है कि आप लोगों का एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड से, और उन्होंने सभी यूनिवर्सिटी के कुलगुरुओं से बात करके डिस्कस करने के बाद ही ये डिसीजन लिया है। कुलगुरु भी राजी है यूनिवर्सिटी के कि इस बार का भी एग्जाम ऑनलाइन मोड ही होना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने ऑनलाइन स्टडी तैयारी करना चालू कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट है चाहे FY हो, SY हो, TY हो, MCOM हो, जितने भी MCOM पार्ट 2 के हो, आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के MCQs मिल जाएंगे। सूरज पटेल एजुकेशन करके जो मेरा वेबसाइट है, आप उस पर विजिट करके हर सब्जेक्ट के MCQs ले सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये सब्जेक्ट के MCQs नहीं है, ये सब्जेक्ट के भी MCQs होने चाहिए, तो दोस्तों आप मुझे उस वेबसाइट के ऊपर ही कमेंट करना, एक आध दिन में उस सब्जेक्ट
के भी एमसीक्यूज दे दूंगा, इसकी गारंटी देता हूं। लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर इन्फॉर्म करना वेबसाइट पे, यूट्यूब पे। अगर कुछ रिलेटेड कुछ और अपडेट चाहिए तो इधर कमेंट कर सकते हो, वेबसाइट में एमसीक्यूज चाहिए तो उधर कमेंट कर सकते हो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।